नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार मेहरा और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ जी माइनर पेंटाटोनिक स्केल। तो हम लोग जी माइनर पेंटाटोनिक स्केल्स कैसे बजाएंगे, तो मैं आपको बड़ा ही इजी तरीके से बताऊंगा आपको कैसे बजाने हैं जी माइनर पेंटाटोनिक स्केल्स। तो जी माइनर पेंटाटोनिक स्केल्स में 5 नोट्स होते हैं, तो मैं आज आपको अच्छी तरह से सिखाऊँगा और ईजी तरीके से, ताकि आपको समझ में आए और आप अच्छी तरह से बजा पाएँ। तो मैं आपको पहले तो उसकी नोट की मैं जानकारी दे देता हूँ। पेंटाटोनिक जी माइनर में क्या क्या नोट्स होते हैं, उसमें होते हैं जी, बी फ्लैट, सी, डी एंड एफ। जी, ए शार्प, सी, डी एंड एफ। तो आपको बजाने कैसे हैं, तो आपको 6 स्ट्रिंग में बजाने हैं, 3rd फ्रेट बोर्ड एंड 6th फ्रेट बोर्ड। उसके बाद बजाने हैं 5th स्ट्रिंग में 3rd फ्रेट बोर्ड 5th फ्रेट बोर्ड। उसके बाद बजाने हैं 4th स्ट्रिंग में 3rd फ्रेट बोर्ड एंड 5th फ्रेट बोर्ड। उसके बाद बजाने हैं 3rd स्ट्रिंग में 3rd फ्रेट बोर्ड एंड 5th फ्रेट बोर्ड। उसके बाद बजाने हैं 2nd स्ट्रिंग में 3rd फ्रेट बोर्ड एंड 6th फ्रेट बोर्ड। उसके बाद बजाने हैं 3rd फ्रेट बोर्ड। मतलब हमें 2 ऑक्टेव जी माइनर पेंटाटोनिक स्केल्स बजाने हैं। 1st ऑक्टेव होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर अगर यहाँ से बजाएं तो फिर हमारी 2 ऑक्टेव हो जाएगी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। गुड। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। मतलब हम लोग 2 बार अगर बजाते हैं तो वो 2 ऑक्टेव स्केल्स हो जाएंगे। कैसे होंगे मैं बताता हूँ। तो आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में एक नई कोर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।